सर पर एनिमे का भूत सवार है, एनिमे देखना है पर इंग्लिश आती नहीं है, जैपनी समझ में नहीं आती और सबटाइटल के साथ तुम लोग देख नहीं पाते, तो ऐसे में तुम लोग निकल पड़ते हो हिंदी एनिमे ढूंढने। बट हिंदी में एनिमे इतनी बेकार क्वालिटी के मिल रहे हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल देखने का मन ही नहीं कर रहा। बट तुम लोगों को इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ऐसे 5 नहीं बल्कि 6 एनिमे ऐसे बताऊंगा जो कि नेक्स्ट लेवल, जो कि रियल क्वालिटी वाले, जो रियल ओरिजिनल होते हैं वो एनिमेज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेवल डबिंग क्वालिटी तुम लोगों को देखने को मिलेगी। एंड इन 5-6 एनिमेज को अगर तुम देखोगे तो तुम लोग बोलोगे ये होती है असली नेटफ्लिक्स लेवल डबिंग। और सच में ऐसे हिंदी एनिमेज तुम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखे होंगे जो कि बेस्ट स्टोरीज, बेस्ट टाइमलाइन, बेस्ट प्लॉट और बेस्ट एनिमेशन के साथ आए। स्वागत है तुम सभी लोगों का EDY मूवीज में, जो कि मूवीज से ज्यादा एनिमेज की वजह से चलता है। और इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ 6 ऐसे एनिमेज जो कि सच में बहुत ही ऑसम हिंदी डब एनिमे है। स्टार्ट करते हैं रैंकिंग ऑफ किंग्स की, तो यार स्टार्ट करते हैं रैंकिंग ऑफ किंग्स एनिमे से। तो यार सबसे पहला ये जो एनिमे है इसमें स्टोरी लाइन दिखाई गई एक छोटे से बच्चे की, एक्चुअली में ये बच्चा नहीं है, ये अपने घर का एक सबसे पहला पैदा हुआ बच्चा है जिसके ऊपर किंग बनने की जिम्मेदारी है। बट तुम लोगों को थोड़ा सा इसको लॉजिक अजीब सा लगेगा, बट वो बच्चा बोल भी नहीं सकता एंड उसको धीरे धीरे एक बहुत ही ग्रेट किंग बनना है। बट उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो अभी सारी जिम्मेदारी उसी बंदे के ऊपर है एंड उसे पूरा किंगडम संभालना है। एक सपना लेके वो बंदा चल चुका है अपने आप को एक ग्रेट किंग बनाने के लिए। ना ही वो इतना पावरफुल है, ना ही उसके पास इतनी पावर्स हैं एंड ऊपर से वो बोल भी नहीं सकता। लेकिन उसे एक शैडोइस क्रिएचर मिल जाता है जो कि उसकी बात समझ सकता है बिना उसके बोले, और वो शैडोइस क्रिएचर की बात हमारा किंग समझ सकता है। तो हाँ, इसी के साथ ये स्टोरी शुरू होती है एंड आगे क्या होता है वो देखने के लिए तुम्हें देखना होगा इस एनिमे को। एनिमे काफ़ी ऑसम है, तुम लोगों को बिल्कुल USA जैसी, यानी कि जो USA के एनिमेज होते हैं, कार्टून्स होते हैं, उनके जैसा एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल हिंदी डबिंग तुम्हें क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा या फिर तुम जुगाड़ से कहीं और से देख सकते हो। बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे पे, तो उसका नाम है माई ड्रेस अप डार्लिंग। यार तुम लोगों को अगर एक रोमांटिक कॉमेडी एनिमे देखना है तो इस एनिमे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। बेसिकली स्टोरी दिखाई गई है दो मेन कैरेक्टर्स की, जिसमें गोजो है, सातोरु गोजो नहीं है बिल्कुल, पहले तो मैं रिमेन्स बता दूं। यहाँ पे हमारा गोजो है एक नॉर्मल कैरेक्टर और एक है मारिन कितागावा, जो कि दोनों एक हाई स्कूल में पढ़ते हैं। हमारा एक इंट्रोवर्ट लड़का गोजो और एक एक्स्ट्रोवर्ट लड़की मारिन कितागावा, दोनों की स्टोरी लाइन इस तरह से चलती है कि दोनों को सिलाई बहुत पसंद होती है। अचानक से एक दूसरे को एक दिन पता लगता है कि दोनों को सिलाइयाँ पसंद है एंड उसे लड़की को कॉस्प्ले करना पसंद होता है। यहाँ से इनकी केमिस्ट्री की शुरुआत होती है एंड आगे इनकी केमिस्ट्री कहाँ तक जाती है, क्या अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं, क्या बुरे सीन्स देखने को मिलते हैं, इनके बीच में क्या क्या होता है, वो सब तुम्हें जानने को मिलेगा इसी एनिमे में। इस एनिमे को जरूर चेकआउट करना, काफी ऑसम एनिमे है। एनिमेशन क्वालिटी तो तुम्हें ऑसम मिलेगी ही, साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हें कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यह एनिमे काफ़ी ज़्यादा मसालेदार हो जाता है। नेक्स्ट एनिमे है हंटर एक्स हंटर। अब देखो, अगर तुम लोगों को सोचो तुम एक ऐसे वर्ल्ड में फंसे हो जहाँ पे सभी के पास सुपर पावर्स है, बट तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। एंड ऐसा ही हमारे मेन कैरेक्टर के पास है। इस वर्ल्ड में हर किसी के पास कोई ना कोई सुपर पावर है, सब कुछ कोई ना कोई सुपर पावर पजेस करते हैं, बट हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई सुपर पावर नहीं है। बट अचानक से वो इतना पावरफुल हो जाता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। धीरे धीरे वो अपनी पावर को बिल्ड करता है एंड पावरफुल होता है। इस जर्नी को देखने के लिए तुम्हें देखना होगा इस एनिमे को, क्या हमारा वो जो कैरेक्टर है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बींग बन भी पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए तुम्हें देखना होगा इसी एनिमे को। और एनिमे काफ़ी औसम है, काफ़ी लंबा एनिमे बोल सकते हो तुम इसे, लेकिन इससे भी बहुत बहुत सारे लंबे एनिमे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए तुम इसे लंबा एनिमे ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। एनिमेशन क्वालिटी तो तुमको अच्छे मिलते ही हैं, लेकिन साथ में जो तुम इस एनिमे को देखोगे तो तुम इनके कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो जाते हो, क्योंकि ये एनिमे तुम्हें एक ऐसा एटीट्यूड दे देगा नेवर गिव अप वाला कि तुम सच में इस एनिमे के फैन हो जाओगे। अपने नेक्स्ट एनिमे की तरफ तो आता है हमारा डीमन स्लेयर। एक्चुअली में इस एनिमे में दिखाया गया है हमारे तांजिरो की कहानी। तांजिरो के फादर इस वक्त डेड हो चुके हैं, उनके फादर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, तो सारी जिम्मेदारी तांजिरो के कंधे पर आ जाती है। एक दिन तांजिरो नीचे जंगल से नीचे गांव में जाता है कुछ बेचने, ताकि उसके पास कुछ पैसे आ जाएं और वो अपनी फैमिली को पाल सके। लेकिन इसी बीच यहाँ पर डीमंस उसकी पूरी की पूरी फैमिली को खा जाते हैं, एक्सेप्ट उसकी सिस्टर और उसकी बहन जो है उसको भी वो लोग काट चुके हैं, जिससे वो आधी इंसान बन चुकी है, आधी डीमन बन चुकी है। अब टांजिरो का एक मिशन ये है कि उसे अपनी बहन को ठीक कराना है एक ऐसे बंदे से जो खुद एक आधा डीमन है और आधा इंसान है, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है। उसके लिए पहले टांजिरो को डीमन स्लेयर बनना पड़ेगा एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान बनना पड़ेगा।
तो क्या वो अपनी बहन को ठीक करवा पाएगा या नहीं, यही सब जानने के लिए तुम्हें देखना होगा इस एनिमे को। एनिमे में काफ़ी सारे बेहतरीन एक्शन सीन्स डाले गए हैं जिसकी वजह से तुम इससे बिल्कुल भी अपनी नज़र नहीं हटा पाओगे। हर एक एपिसोड तुम पूरे इंटरेस्ट के साथ देखोगे। लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सीन्स या फिर ऐसी क्रिएटिविटी दिखा दी गई है कि तुम्हें अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। ये एनिमे एक्शन एनिमे है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्शन सीन्स हैं जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ही ज़्यादा बैडास वाला सीन आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है देख के ये एनिमे। एंड एनिमेशन क्वालिटी तो इसकी ऊपर से और ज़बरदस्त है, तो इसीलिए इस एनिमे को ज़रूर से देखना क्योंकि एक मास्टरपीस एनिमे है। नेक्स्ट एनिमे के ऊपर बढ़ते हैं तो लूना नारुतो जो कि सोनी ए पे डब हो चुका है एंड तुम लोग जुगाड़ से कहीं और से भी देख सकते हो उस लोग को। और नारुतो यार एक ऐसा एनिमे है जिसमें दिखाई गई है कहानी हमारे नारुतो कैरेक्टर की ही। अब नारुतो एक ऐसा बंदा है जिसके मॉम डैड एक हादसे में मारे गए, अभी वो फिलहाल एक बच्चा है जो कि खुद अपने दम पर रह रहा है और उसका जो खर्चा है वो होकागे उठाता है जो कि उस विलेज का हेड है। एंड फिलहाल वो बंदा सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान एक नेक्स्ट होकागे बनना चाहता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन चाहिए। एंड सब लोग वहाँ पे जहाँ पे बेस्ट हैं, सब लोगों को जुत्सु आता है, निनजुत्सु आता है, किसी को ताइजुत्सु आता है, बट हमारे नारुतो को इनमें से कुछ भी नहीं आता और वो बिल्कुल ही एक नौसिखिया है। बट इसी जर्नी में तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि नारुतो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कैसे बनता है, यहाँ तक कि उसे एक जुत्सु करना भी नहीं आ रहा होता, वो किस तरह से अपनी इस जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करता है, कैसे कैसे वो अपना नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखते हुए आगे बढ़ता है, ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा। साथ ही प्लस पॉइंट एक ऐसा एनिमे है जहाँ पे किसी भी कैरेक्टर को तुम साइड कैरेक्टर नहीं बोल सकते, हर एक कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी लाइन दिखाई जाती है सेपरेट कि वो कैसे बना, क्या उसने स्ट्रगल करे, कैसे वो इतना स्ट्रांग बना। हर एक कैरेक्टर अपने अपने में ही एक अलग कैरेक्टर है, तुम्हें सारे कैरेक्टर मेन लगते हैं स्टार्टिंग में, तो तुम्हें नारुतो से मेन कैरेक्टर भी नहीं लगेगा। एंड लेकिन ये जो एनिमे है वो काफ़ी ही ऑसम एनिमे है, तुम लोगों को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी लंबा एनिमे है, 720 एपिसोड्स तुम लोगों को देखने को मिलते हैं टोटल सीजन 1 और 2 मिला के, लेकिन जब तुम इसे देखने जाओगे तो वर्थ हुआ ये एनिमे। बाकी यही था आज की वीडियो में, आई होप तुम लोगों को पसंद आए होंगे ये सारे एनिमेज। अगर तुम इन एनिमेज को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अगर यार तुम लोगों को एनिमेज हिंदी में देखने हैं तो बहुत सारे एनिमेज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, तुम लोग मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यही था आज की वीडियो, मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।